वेलकम टू माई YouTube चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लाइब्रेरी शीट को स्टडी करेंगे और इसमें डिफरेंट फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। सो हम अपनी एक्सेल की शीट पे जाते हैं और यहाँ पे लाइब्रेरी शीट में यूज़ होने वाला जितना भी डाटा है वो हम टाइप करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सीरियल नंबर, देन नेम, स्टेटस, बुक टेकन डेट एंड बुक रिटर्न डेट। टोटल डेज एंड टोटल फाइन। अब हम इनको सिंपल एडजस्ट कर देंगे। कुछ अल्फाबेट्स हमें शो नहीं हो रहे तो हम सिंपल यहाँ ऊपर जाएंगे और ये वाला एरोस शो होगा तो हम इस पर डबल क्लिक कर देंगे, खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। देन हम बुक रिटर्न डेट के बाद भी ऐसे ही करेंगे और टोटल डेज के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। अब हम अपनी शीट का नेम लिखेंगे। पहले हम जितने हमने सेल सेलेक्ट करने होंगे उन सेल्स को सिलेक्ट करके एक ही सेल बना देंगे। उसके लिए हम मर्ज सेल का ऑप्शन यूज़ करते हैं। मर्ज सेल्स करेंगे तो ये हमारा एक ही सेल बन जाएगा। अब सिंपल हम इसमें अपनी शीट का नेम टाइप करेंगे जो है लाइब्रेरी शीट, और इसको सिलेक्ट करके करेंगे और इसका साइज इंक्रीज कर देंगे। देन अगर आपने बोल्ड करना होगा यानी थिक करना होगा इसका साइज इसको, तो आप बोल्ड कर दें, और अगर इटैलिक करना होगा तो इटैलिक कर दें। इटैलिक मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा हो जाना। देन सीरियल नंबर्स के भी हम दो सेल्स को कंबाइन करके एक ही सेल बना देंगे, और नेम के भी, इसके बाद स्टेटस को भी, बुक टेकन डेट, एंड टोटल फाइन। सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिखेंगे 1001, इसके कॉर्नर में आएंगे, प्लस का साइन शो होगा, उसको ड्रैग कर देंगे सिंपल। ये कॉपी सेल्स आ रही हैं, इसको हम इस बुक पे क्लिक करेंगे और फिर सीरीज कर देंगे तो ये काउंटिंग वाइज आ जाएंगे। देन हम नेम्स लिखेंगे, और स्टेटस में हम दो कैटेगरीज आती हैं हमारे पास, सिविल और मेंबर। सिविल वो पर्सन होता है जो हमारे कॉलेज में बाहर से आके हमारी कॉलेज की बुक लेके जाते हैं और उस पर उसको पहले दिन से ही फन पढ़ना शुरू हो जाता है। और मेंबर वो वाला पर्सन होता है जो हमारे कॉलेज का ही स्टूडेंट्स हो या कॉलेज का ही कोई पर्सन हो जो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी में से बुक लेके जाता है और इसको आफ्टर 10 डेज बाद फन पढ़ना शुरू होता है। सो हम इनके स्टेटस लिखेंगे, इनकी कैटेगरीज कौन सी हैं। अगर तो ये सिविल है यानी बाहर का पर्सन है तो उसके इसको स्टेटस में हम सिविल लिखेंगे, और अगर ये हमारे कॉलेज का ही मेंबर पर्सन है तो हम इसके स्टेटस में मेंबर लिखेंगे। सो हम इनके स्टेटस में इनकी कैटेगरीज लिखते हैं। अब बुक टेकन डेट मीन्स कि इन्होंने हमसे किस दिन बुक ली या इसकी वो डेट मेंशन करेंगे। और एक बार याद रखिएगा कि जो हमारा डेस्कटॉप होता है यानी एक्सेल की शीट में हम सबसे पहले मंथ लिखते हैं, फिर डेट लिखते हैं और फिर ईयर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मंथ लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसने 7 जुलाई को हमसे बुक रिसीव की थी, और इसने 8 जुलाई रिटर्न के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है उसको इज इक्वल का साइन सबसे पहले यूज़ करेंगे,
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक्सेल, अगर एक्सेल में हमने कोई फॉर्म अप्लाई करना है तो इसमें इज इक्वल का साइन कंपल्सरी होगा। अगर हम इज इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे तो हमारा कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। इज इक्वल टूडे, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, सिंपल एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास आज की डेट आ जाएगी। इसके कॉर्नर पर जाएंगे, प्लस का आइकन शो होगा तो इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो ये हमारे पास आज की डेट आ गई है। अब इसमें हमने टोटल डेज फाइन करनी है। टोटल डेज फाइन करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो इज इक्वल का साइन यूज़ होगा। देन बुक रिटर्न डेट्स का साइन सेलेक्ट करेंगे माइनस बुक टेकन डेट और सिंपल एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डेज आ गए हैं कि मीन्स कि इसने हमारे से कितने दिन तक अपनी हमारी बुक्स जो अपने पास रखी है। सिंपल इसके कॉर्नर पर जाएंगे, प्रेस का आइकन शो होगा तो इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे और ये हमारे पास बाकी स्टूडेंट्स के भी डेट आ गई है कि इन्होंने कितने दिन हमारी बुक्स अपने पास रखी हैं। अब इनके ऊपर जो टोटल फाइन पड़ेगा वो हम लिखेंगे। इनके लिए जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले इज इक्वल लगाएंगे, इफ़ ब्रैकेट ओपन स्टेटस वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉम इज इक्वल पोस्ट्रोफी कॉमा मेंबर पोस्ट्रोफी कॉमा कॉमा ब्रैकेट ओपन फिर ब्रैकेट ओपन टोटल डेज, टोटल डेज वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज माइनस 10 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10 कॉमा ब्रैकेट ओपन टोटल डेज ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10 ब्रैकेट क्लोज, सिंपल एंटर का बटन प्रेस कर देंगे तो हमारे पास टोटल टोटल फाइंस का फॉर्मूला आ जाएगा। इसके कॉर्नर पर जाएंगे, प्लस का साइन शो होगा, सिंपल स्क्रॉल डाउन कर देंगे तो हमारे बाकी स्टूडेंट्स सिविल और मेंबर्स के भी टोटल फाइन हमें पता लग जाएंगे। देन अब इसको हम डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, इसके एक बॉर्डर्स लगा देंगे, ये बॉर्डर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और इसके साथ एक छोटा सा एरो शो हो रहा है ऑल बॉर्डर्स और एंड थिक बॉक्स बॉर्डर, अगेन सेलेक्ट करेंगे थिक बॉक्स बॉर्डर, ये हमारे बॉर्डर्स लग गए हैं। अब लाइब्रेरी शीट पे भी हम ऐसे ही बॉर्डर लगाएंगे ऑल बॉर्डर एंड थिक बॉक्स बॉर्डर। देन हम इसमें कलर फिल करेंगे, ये वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, इसमें हमने जो सा कलर मैं ग्रीन कर रही हूँ इसमें भी हम सारे को ग्रीन कर देंगे। अब एक एक कॉलम को हम लाइट करेंगे और एक को डार्क। और ये जो हेडिंग्स वाली कॉलम है इनको भी हम सिंपल लाइट कलर कर देंगे। और ये थी हमारी लाइब्रेरी शीट और इसके फॉर्मूलाज मैंने राइट डाउन किए हुए हैं नोटपैड में। ये इसके टोटल बुक रिटर्न डेट का फॉर्मूला है ये वाला, और ये बुक टोटल डेज का फॉर्मूला है, और ये टोटल फाइन का फॉर्मूला है। ये थी हमारी सिंपल सी लाइब्रेरी शीट। इसमें आप अपने मर्जी से जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह जितने भी आपके पास डाटा होगा आप उसके मुताबिक ऐड करके सिविल मेंबर सब कुछ लिख सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।